अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पकौड़े। ये देखिए व्यूअर्स, आलू को छील लेंगे और इस तरह पतले पतले से पतले पतले से काटेंगे ऐसे, बहुत ही प्यार के साथ, ताकि ये देखिए इनकी आप मोटाई देखिए, ताकि ये अच्छे से गल जाए। ठीक हो गया व्यूअर्स, जितने भी आलू पकाना चाहें ना उतने आलू काट लें। ठीक है, फिर एक बोल के अंदर डालें आप बेसन। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे मैंने आलू जो हैं वो काट दिए हैं। ठीक है, इनको अच्छे से काट के पानी के अंदर भिगो दें। ठीक है, एक बोल के अंदर लें बेसन एक कप। हमने दो आलू छीले और उनको काट लिया, अब हम एक बोल के अंदर लेंगे एक कप मैदा, बेसन, एक चम्मच नमक, एक चम्मच मिर्च, एक आधी चम्मच हल्दी की, और अब हम आ जाते हैं ये सूखी मेथी, अजवाइन और सूखा धनिया। ठीक है, एक एक चम्मच सब कुछ, और पानी डालेंगे हम कप की मदद से। ठीक है, और हम इसका ज़रा पतला सा, दरमियाना सा, ना पतला ना सख्त, दरमियाना सा हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, ये देखिए। ठीक है, इसको विस्क की मदद से अच्छा अच्छा हिलाएँगे ताकि इसके अंदर लम्स बिल्कुल ना रहे। अब एक एक हम उठाएंगे, इसके अंदर डिप करेंगे, ये देखिए व्यूअर्स, पतली पतली सी लेयर्स लगाएंगे, ये देखिए, इतनी पतली भी नहीं लगानी। और ये देखिए व्यूअर्स, बारी बारी हम कढ़ाई के अंदर डालते जाएंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, सारे आलू के पकौड़े हम अंदर डालेंगे। ठीक है, और कढ़ाई को भर लेंगे और फिर मज़े से पका के खा लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे आलू के पकौड़े जो है ना वो फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ही व्यूअर्स सारे फ्राई हो जाएंगे फिर हम उनको निकाल लेंगे, निकाल के इसको हम आज अपनी इफ्तारी में खा लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ट्राई ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कैसे लगे आपको आलू के पकौड़े मेरी रेसिपी के साथ। ठीक है व्यूअर्स, इसके साथ ही व्यूअर्स, निदा फरहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई अपलोड के साथ। व आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।